मॉर्निंग गाइस, मैं अपूर्व सिंह बैक बेंचर क्रिकेट टीम से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम अपने टीम के नेट सेशन को दिखाएंगे आप लोगों के सामने। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया मौसम है, प्रैक्टिस के लिए अनुकूल है। और हमारे टीम यहाँ पे आ चुके हैं, एक दो प्लेयर अभी रनिंग कर रहे हैं। सो आज हम पूरे इस नेट सेशन को कवर करेंगे और सबसे इंट्रोड्यूस भी कराएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। और यहाँ पे अभिषेक भैया बॉलिंग टिप्स देते हुए, सबसे सीनियर प्लेयर, 7 साल से इस ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, अपने अनुभव का पूरा तरीका से उपयोग कर रहे हैं जूनियर प्लेयरों के बीच। और काफ़ी फायदे होते हैं जब सीनियर प्लेयर के साथ आप कुछ सीखते हैं तो। और गाइस, और देख सकते हैं, और अभी जो गौरव पेला जो हम लोग का कैप्टन है वो ओपनिंग जाता है उनका, वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा बैट्समैन है और ये हम लोग का ओपन जाते हैं। बिट्टू भी बॉलिंग सीख रहा है आजकल। और ये शिवम सारे प्लेयर है यहाँ पे। और हमारे सबसे सीनियर प्लेयर है अभिषेक भैया जो पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं। और यहाँ पे शिवम बॉलिंग करते हुए, अच्छा बॉलिंग। इंजॉय कर रहे हैं सेशन को आप? हाँ, मजा आ रहा है। बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अभिषेक भाई बॉलर को टिप्स देते हुए, और यहाँ पे बिट्टू, बहुत बढ़िया। टीम के ओपनर बल्लेबाज है, काफी कुछ निर्भर रहता है इनके बल्लेबाजी के ऊपर। और कैसा लग रहा है कैप्टन आपको? ओके, नो प्रॉब्लम, दो बॉल एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। सामने सामने विकेट विकेट ओवर फिर लेंथ बॉल लेंथ लेंथ। तो एंजॉय कर रहे हैं गौरव आप बैटिंग को? ओके, अभी तो ये हमारा पहला या दूसरा दिन है। देखिए यहाँ पे, ओ माय गॉड, दैट्स ब्रिलियंट शॉट। और हाथ में चोट लग गया इस कारण से थोड़ा। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। और देख सकते हैं प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा बहुत चोट लग गया है कैप्सी को हमारे।
पहले ये बॉल खेल ले। तो कैसा लग रहा है बिट्टू? बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस करने में। अच्छा, सोच रहा हूँ फिर से वापसी करने के लिए क्रिकेट में। तो आप तो पहले कॉस्को के गेंद से खेला करते थे, लेदर से कब मन बना लिया आपने? देखिए ये कॉस्को के बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, ओपनर बैट्समैन है कॉस्को से, लेकिन यहाँ पे ये हमारे एसोसिएशन बैकबिन से क्रिकेट में आए और बोले कि मुझे मौका चाहिए एक बार। तो देखिए हमारे साथ तो प्रैक्टिस में ये पिछले 2-3 दिन से जुड़ रहे हैं, आगे मैच भी होने वाला है तो एक मौका दे के देखेंगे इनको हम। और ये बहुत ही शानदार बॉलर कौन था भाई जो विकेट मारा? अच्छा दीपांशु, बहुत बढ़िया। चलिए डर क्यों रहा है बिट्टू? जब सभी प्रोटेक्शन आपके पास है तो डरिए मत, कुछ नहीं होगा। देखिए और यहाँ पे वाइड हो गई बॉल। ओके अब आइए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बैट्समैन से कुछ बातचीत करते हैं। सौरभ है हमारे नेक्स्ट बैट्समैन, पैड अप है, तैयार है। और सौरभ कैसा लगा, एंजॉय कर रहे हैं सेशन को आप? कैसा बॉलिंग भी किया आपने, क्या कुछ कमी आया कि बॉलिंग में, क्या सुधार करने की जरूरत है? जो फ्लाइटेड बॉल देते हैं उसको सुधार करने की जरूरत है, ज्यादातर फ्लाइटेड बॉल ही देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, और आइए हम अपने टीम के मेन बॉलर से बात करते हैं कुछ, और पहले एक बॉल देख लेते हैं। ये आइए हम बात करते हैं अपने टीम के सबसे सीनियर बॉलर, अनुभवी बॉलर जो कि पिछले 6-7 साल से खेल रहे हैं, अभिषेक भाई। अभिषेक भैया क्या लग रहा है आज आप पहला बार जुड़े हो प्रैक्टिस सेशन में, क्या कहाँ देख रहे हो, कहाँ कमी है बैटिंग और बॉलिंग में? बस कमी तो बहुत सारा है, प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है क्रिकेट में। ओके, एंजॉय कर रहे हैं आप प्रैक्टिस सेशन को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं हम अपने कैप्टन के पास, देख रहे हैं उनको थोड़ा सा चोट लग गया है अभिषेक भैया के बाउंसर पे, और यहाँ पे वो आइस यूज कर रहे हैं उस पे। क्या हुआ कैप्सी आपको, कैसे, किसका बाउंसर था? हमारे सीनियर प्लेयर बॉलर अभिषेक। कैसा रहा बैटिंग सेशन आपका आज, कहाँ कमी नजर आ रहा था आपको आज? ओके तो क्या आज कमी है तो कल आप सुधार ही लोगे, और आप हमारे टीम के कैप्टन हो, आपसे बेस्ट उम्मीद रहती है हमें हमेशा, तो उम्मीद करेंगे कि आपकी चोट ज़्यादा ना हो। और हाँ जी चोट तो लगी है, लेकिन हमको उम्मीद रहेगी, हम प्रे करेंगे कि आपका चोट बहुत ही जल्दी ठीक हो और आपको नेट्स में बहुत ही जल्दी देखे। आइए, ओके थैंक यू कैप्टन, लव यू। और यहाँ पे दीपांशु बैटिंग के लिए पैड करते हुए, आइए नेट्स में नए बैट्समैन आए हैं सौरभ, उनके कुछ 2-3 शॉट दिखाते हैं आपको। राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर है और लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, अच्छे बैटिंग करते हैं, डिफेंसिव शॉट खेलते हैं। ओ यहाँ पे कातिलाना बाउंसर और मिस किए, यहाँ पे अभिषेक यहाँ पे बहुत ही कातिलाना बॉलिंग कर रहे हैं, एक प्लेयर कैप्टन को पहले ही चोटिल कर दिए, और यहाँ पे एक और शानदार बाउंसर। और यहाँ पे यादव जी की बॉलिंग और बढ़िया शॉट। सर अब चोट तो नहीं लगी पिछले वाले बाउंसर पे आपको? ओके प्ले बोल्ड बी से। और यहाँ पे हमारे उम्रदराज बॉलर रोहित भैया, ओ यहाँ पे कट, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। आइए हम अपने बैटिंग कोच जो कि रोहित भैया है उनसे कुछ बात करते हैं। रोहित भैया 2 मिनट, आइए हमारे बैटिंग कोच से मिलते हैं रोहित भैया। रोहित भैया कहाँ आप कमी देख रहे हैं बैट्समैनों में? अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा सुधार करना है, बाउंसर खेलने में दिक्कत हो रही है, डिफेंस भी प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो सिखाएंगे धीरे धीरे इनको सब कुछ। कैप्टन को भी आपके बाउंसर पे चोट लग गया था? कैप्टन तो हमारा है, कोई बात नहीं, छोटे हाइट है उसके लग जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, देख सकते हैं आप, थैंक यू।
और आप देख सकते हैं खुद से बॉलिंग करके यहाँ पे बैटिंग कोच बैट्समैन को कमी को दूर कर रहा है। और यहाँ पे आप तैयार हो गए हैं दीपांशु पूरे प्रॉपर तरीके से? यस। सब चीज़ सेफ्टी वेफ्टी लगा लिया ना आपने? ओके, बाउंसर से बच के खेलिएगा, हेलमेट ज़रूर लगाइएगा। आइए शिवम के साथ जोड़ते हैं जो हमारे बैक बेंच क्रिकेट एसोसिएशन के बुमराह हैं। इनका एक्शन काफ़ी शानदार है और ये पहली बार हमारे साथ नेट सेशन में ज्वाइन किए हैं। थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रहा है? बॉलिंग में आ रहा है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना, वाइड वाइड जा रही है थोड़ी, हाथ दर्द करने लग रहा है क्योंकि बहुत दिन से बॉलिंग नहीं की है। ओके, मतलब क्या लग रहा है कि प्रैक्टिस करेंगे तो सब सही होगा? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू शिवम, बहुत बढ़िया लगा शिवम से बात करके यहाँ पे। प्लेयर में मोटिवेशन होना चाहिए अंदर, और ये पूरे तरीके से मोटिवेट है। इनको लग रहा है कि मैं 2-3 दिन प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद फिर से मैं अपने वापस फॉर्म में आऊँगा। काफ़ी दिन तक क्रिकेट से दूर थे, गांव चले गए थे, अभी ज्वाइन किए हैं हमें ये। और यहाँ पे अभिषेक भैया की फिर से एक बार कोचिंग, मानते हैं बहुत सीनियर खिलाड़ी है, पिछले 7 साल से इस ग्राउंड के लिए खेल रहे हैं ये, और हमारे मेंटोर हैं ये एक तरीके से। और देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इनका वो एक्शन, शानदार एक्शन है इनका। चलिए अब चलते हैं हम अपने रितेश यादव जी के पास, जो कि काफ़ी सुधार किए हैं अपने बॉलिंग में। पहले इनको टीम में जगह भी नहीं मिलता था बॉलिंग के लिए, लेकिन आजकल लगातार बॉलिंग कर रहे हैं ये। आइए यादव जी, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बॉलिंग करके? ओके, आपके बॉलिंग में काफ़ी सुधार आया, मैं खुद बैटिंग किया था तो मुझे अच्छा लग रहा था आपका बॉल। कोई नए टेक्निक का प्लेयर थे, बॉलिंग अच्छा हुआ। एक्शन में भी कुछ आप सुधार किए हैं, रनिंग वगैरह में क्या लग रहा है अगले मैच में आप विरोधी को बॉलिंग कर सकते हैं? अच्छा, मतलब अगला मैच मिलेगा तो आप विरोधियों का मतलब बढ़िया से क्लास लेंगे, बॉलिंग कर सकते हैं? अच्छा, मतलब मज़ा आ रहा है कुल मिला के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, कोशिश रहेगा और तेज़ डालिए, आप हमारे टीम के बहुत ही होनहार और मेहनती प्लेयर हैं। ये दीपांशु बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा दीपांशु की बैटिंग के कुछ शॉट्स दिखाते हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं। और ये लेफ्टी बैट्समैन है और बहुत ही शानदार शॉट, भाई कैमरामैन को बचा देना थोड़ा बहुत, ऐसे तो आप बहुत डेंजर प्लेयर हैं, पॉकेट डायनामाइट है हमारे टीम के। ओम भाई, ये अजीबो गरीब शॉट और बहुत ही शानदार शॉट खेलते हैं। और एक और बॉल है दीपांशु भैया, एक और बॉल है, आप दे दो आप उसे। बढ़िया, देखिए क्या कनेक्ट कर लेते हैं। और देखिए आगे की गेंद, ओहो माय गॉड, दैट इज ब्रिलियंट बॉलिंग भाई अभिषेक। आज के सेशन का आखिरी बॉल यादव जी खेलते हुए, ओ भाई नो बॉल फेंक दिया इन्होंने, और फ्री हिट के तौर पे इनको एक बॉल और खिलाया जाएगा। और देखिए शिवम जो कि बॉलर हमारे टीम के बुमराह, और यॉर्कर डाले थे और यादव जी ने चूक गया, बहुत बढ़िया। आज का
सेशन यहीं पे समाप्त हो गया है और प्लेयर्स अपने किट बैग पैक करते हुए आइए अब हम चलते हैं। कहाँ चलना है अभिषेक भैया, आप कहाँ चलना है? चला जाए, अब ब्रेकफास्ट किया जाएगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स में जितना समय ग्राउंड में दिया जाता है उससे ज़्यादा हमें डाइट पे ध्यान देना जरूरी होता है। ओके, बहुत सारे तो क्या होता है कि हम खेलते हैं जा करके सो जाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ओके, तो सर आप अपना फिटनेस के लिए क्या डाइट लेते हैं, डाइट प्लान शेयर कीजिए हमारे लिए। फिटनेस के लोग डाइट प्लान इंसान का ना अपने से होता है कि कितना वो मैनेज कर रहा है अपने पैसे को लेकर, क्योंकि डाइट बहुत सारा होता है हर इंसान का। आप देखो विराट कोहली का डाइट देख लो, एक नॉर्मल प्लेयर का भी डाइट देख लो, तो हाँ आप कितना अफोर्ड कर पा रहे हो उस हिसाब से डाइट होता है, डाइट का कोई लिमिट नहीं होता है। ओके, तो सर का मानना है कि आप थोड़े पैसे में भी अच्छा डाइट ले सकते हैं, तो डाइट ले हमेशा। फ़ोन ले लेना बिट्टू मेरा, वो साइड में दो फ़ोन होगा, आईफोन होगा एक। और यहाँ पे अभी ग्राउंड में देखिए मैच हो रहा है दूसरे टीमों की, हमें भी मिलेगी बहुत जल्द। और पीछे के साथ अभी हम चलते हैं कैंटीन में, ब्रेकफास्ट करेंगे।